नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रिपोर्टर लाइव की शुरुआत करेंगे जिसमें बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी। सदन के अंदर क्यों भिड़े कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पीयूष गोयल, इसके साथ ही धामी सरकार के कैबिनेट में कितने प्रस्तावों पर आज लगी मुहर, और दूसरी तरफ गुजरात विधानसभा में कौन होगा स्पीकर, ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर। हमारे से होगी ग्राउंड से देंगे हर खबर पर अपडेट। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दरअसल आज सदन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कांग्रेस के सांसद आपस में भिड़ते नजर आए हैं। क्या रही खबर पर अपडेट, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शिवम सोनी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान को लेकर आज संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मांग की कि खड़गे राज्यसभा में माफी मांगे। हालांकि जब राज्यसभा में हंगामा बढ़ा तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को नसीहत दे डाली। उन्होंने राज्यसभा सदस्यों को कहा कि हम बच्चे नहीं हैं। जगदीप धनखड़ ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि हम एक बहुत बुरा उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। सभापति ने कहा कि बाहर के लोगों का मोह भंग हो गया, इस तरह के आचरण और व्यवहार से संसद की छवि खराब होती है, हम पर हंस रहे हैं 135 करोड़ लोग, ये बात सभापति ने कही। दरअसल सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के हंगामे के बीच सत्तारूढ़ और विपक्ष की बेंचों की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम बच्चे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ लोग हम पर हंस रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विवादित टिप्पणी की थी, उसको लेकर सत्ता पक्ष ने अब उनको निशाने पर ले लिया है। कैमरामैन निकांत के साथ शिवम सोनी, इंडिया वॉइस। उधर शीतकालीन सत्र के दौरान आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को अचानक संसदीय दल की बैठक बुलानी पड़ी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। संसद शीतकालीन सत्र के दौरान आज भारतीय जनता पार्टी की संसद दल की बैठक भी हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधित करते हुए कहा था और तमाम बड़े बड़े चेहरे आज इस संसद दल की बैठक में मौजूद थे। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम नेता यहाँ मौजूद रहे, राजनाथ सिंह भी उसमें मौजूद रहे थे, बड़े बड़े नेता खुद यहाँ पर मौजूद रहे थे। जिस तरीके से संसद दल सत्र की जो बैठक थी काफी दिनों चल रही थी, तो उसको देखते हुए आज संसद दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि G20 जो सम्मेलन हो रहा है उसमें जो बाहर से भी लोग आएंगे उनके खाने पीने की बात यहाँ पर बताई गई है। जिस तरीके से खाना पीना यहाँ अच्छा होना चाहिए और G20 शिखर सम्मेलन में लोग जो है सम्मानित होंगे और साथ ही उसमें जो लोग आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, तो उसको देखते हुए संसद दल की जो बैठक थी यहाँ पर कराई गई थी। और संसद दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे और साथ ही उन्होंने जो है खिलाड़ियों को देखते हुए कहा कि स्पोर्ट्स में जो खिलाड़ी पहुंच रहे हैं उनको जो है धन्यवाद भी करते हुए कहा कि धन्यवाद, उनको ऐसे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होना चाहिए जिस तरीके से खिलाड़ी जो है खेल के लिए पहुंच रहे हैं, स्पोर्ट्स में लोग यहां पहुंच रहे हैं। तमाम खेल की भी उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरीके से खेल के लिए लोग लड़कियों को भी देखते हुए लड़की भी इस खेल में जो है ज़्यादातर जो है रुचियाँ बढ़ती नजर आ रही हैं, तो उसी को देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उनको सभी लोगों का धन्यवाद किया था। साथ ही उन्होंने जो है संसद दल की जो बैठक हो रही थी बैठक में उन्होंने तमाम मुद्दे यहाँ पर उठाए गए थे और साथ ही उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले G20 सम्मेलन की बात इसमें कही कि बाहर से जो लोग आएंगे उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त किस तरीके किया जाएगा, अच्छा खाना उन लोगों को मिलना चाहिए, जिस तरीके से हमारे देश में जो है G20 सम्मेलन होने जा रहा है, तो उसी को देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम संसद दल के बैठक में जो आज ये मुद्दा उठाया था। और साथ ही तमाम यहाँ पर बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे थे, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे थे, तमाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ जेपी नड्डा मौजूद रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था और साथ ही उसी पर देखते हुए तमाम खिलाड़ियों को भी संबोधित करते हुए कहा, उन सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए कहा कि जिस तरीके से खिलाड़ी जो है रुचियाँ बढ़ रही हैं, लड़कियों की रुचि बढ़ रही है, लड़कों की रुचि बढ़ रही है खेल को देखते हुए, जो स्पोर्ट्स में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनको भी काफ़ी संबोधन कहा और साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के साथ में खड़ी है। जिस तरीके से खिलाड़ी का जो मनोबल है यहाँ पर बढ़ता नजर आता है, देखा जाता है, तो उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे खिलाड़ियों के साथ में है। कैमरामैन सेंकी के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे सहयोगी धीर राजपूत। उत्तराखंड के देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में आज एक बैठक संपन्न हुई। राज्य सचिवालय में सीएम धामी की ये बैठक हुई जिसमें 20 प्रस्तावों पर करीब मोहर लगी है और इसके साथ ही सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली में कई संशोधनों को मंजूरी मिली है। वहीं आपको बता दें कि गृह विभाग ने भी इसमें बड़ा फैसला लिया है, यानी कि कैदियों को 15 दिनों का पैरोल देने के लिए जिलाधिकारी को इसमें निर्देशित किया गया। इसके साथ ही बीमारी और घर निर्माण के लिए भी 12 महीने का पैरोल जिलाधिकारी दे सकेंगे। इसके साथ ही इस बैठक में उद्योग विकास के लिए 5 सड़कों लोक निर्माण विभाग को
हस्तांतरित की गई हैं। इसके साथ ही उद्धम सिंह नगर की ये सड़कें हैं, 5 सड़कें जो हैं जिस पर आज मोहर लगी है कैबिनेट में। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की का नाम अब कौर यूनिवर्सिटी किया जाएगा, यानी कि अब रुड़की का जो नाम है वहाँ पर यूनिवर्सिटी का जो नाम है उसको अब कौर यूनिवर्सिटी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 20 ITI को मॉडल बनाने की भी मंजूरी इस कैबिनेट में दी गई है, किया गया है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के 17वें को मंत्रिमंडल की ये मंजूरी दी गई है, उत्तराखंड राज्य लॉजिस्टिक नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। यानी कि इस जो बैठक में कई अहम चीज़ें निकल करके सामने आई हैं जिसमें कई जो है प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है, लेकिन अब आगे किस तरीके से इन पर काम होता है और किस तरीके से ये निकल करके सामने आता है कि किस तरीके से उत्तराखंड को एक नया रूप, नया विकास देखने को मिलेगा। कैमरामैन निशांत के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत के बाद मंगलवार को विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव हो गया है। इस चुनाव में क्या रहा खास, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, बता रहे हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आज विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद निर्विरोध चुन लिया गया है, जिसको लेकर की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर चौधरी आज निर्विरोध गुजरात विधानसभा चुनाव के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। इसके साथ ही गांधीनगर में 15वीं राज्य विधानसभा के पहले सत्र के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ विधायक जेठा भाई भारवाल को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया है। विपक्षी दल कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने भी सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक शंकर चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष और जेठा भाई भारवाल को उपाध्यक्ष के तौर पर समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अध्यक्ष के तौर पर शंकर चौधरी, जबकि राज्य के वित्त मंत्री कन्नू भाई देसाई ने जेठा भाई भारवाल का नाम उपाध्यक्ष के तौर पर सुझाया था। अब आपको बता दें कि शंकर चौधरी 2014 में मंत्री भी रह चुके हैं। बनासकांठा जिले की थराड सीट से बीजेपी विधायक शंकर चौधरी 2014 और 2017 के बीच आनंदीबेन पटेल और विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हालांकि 2017 में बाव सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं जेठा भाई भाई भारवाड़ की बात करें तो पंचमहल जिले की शेहरा विधानसभा सीट से वो 6 बार विधायक हैं। वो 2021 से 2022 के बीच 14वीं विधानसभा में एक साल के लिए उपाध्यक्ष रह चुके हैं। जेठा भाई भारवाड़ पंचमहल डेयरी और शंकर चौधरी बनास डेयरी के अध्यक्ष हैं। तो गुजरात विधानसभा में बीजेपी ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्विरोध चुन लिया है, जिसका कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन किया है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। समाजवादी पार्टी के नेता और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव आज प्रयागराज पहुंचे और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सत्ता में आने के बाद वो क्या कुछ करेंगे नया, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को प्रयागराज में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब वह आजीवन समाजवादी पार्टी में रहेंगे और वह उस समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, चाहे उन्हें पद मिले या ना मिले, वह समाजवादी पार्टी के लिए ही काम करेंगे। वहीं उन्होंने योगी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। योगी सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि योगी सरकार विपक्षी नेताओं को निशाने पर ले रही है, झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बेकसूरों पर से सारे मुकदमे वापस कराएंगे। कैमरामैन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। महाटक सुकेश मंगलवार को कोर्ट पहुंचा और उसने कोर्ट पहुंचने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी, ये माना जा रहा है। उसने तमाम सारे आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं। क्या आरोप लगाए हैं और क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली कोर्ट से निकलते ही दावा किया है कि वो आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए थे। उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी में भी वो कह चुका है कि उन्होंने 60 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए हैं, जिसके बाद अब बता दें कि 200 करोड़ की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज शैलेंद्र मलिक की कोर्ट अब आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर 6 जनवरी को सुनवाई करेगी। 22 तारीख को जैकलिन फर्नांडिस की विदेश जाने की अनुमति मांगने की याचिका पर सुनवाई होगी। दरअसल ये सारा विवाद महाटक सुकेश चंद्रशेखर की ओर से एक के बाद एक जारी किए जा रहे पत्रों के बाद शुरू हुआ था। सुकेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर राज्यसभा सीट के बदले 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था,
यही नहीं, सुकेश ने अरविंद केजरीवाल पर कारोबारियों को उनकी पार्टी से जोड़कर 500 करोड़ रुपए जुटाने का आरोप भी लगाया था। उसने आरोप लगाया कि इसके बदले में आम आदमी पार्टी की ओर से उसे कर्नाटक में एक बड़ा पद ऑफर किया गया था। सुकेश ने 2017 में अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि उनसे अरविंद केजरीवाल से उसकी बात हुई थी, जिसको लेकर के ये सारी बातें हुई थी कि पार्टी कहाँ से टिकट देगी, राज्यसभा भेजा जाएगा या कोई बड़ा पद दिया जाएगा। उसके लिए आम आदमी पार्टी ने उससे पैसे की बात की थी और इतना बड़ा सौदा किया था। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस, नोएडा। नगर निकाय के चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बागी सुर सामने आने लगे हैं। सांसद और विधायकों की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के लिए गाजियाबाद में क्या कुछ तस्वीरें सामने आई सांसद और विधायकों की, इस खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी राहुल शर्मा ने। गाजियाबाद बीजेपी में आपसी गुटबाजी आखिरकार चरम पर आ गई है या ये कहा जाए कि सड़क पर आ चुकी है, गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की घटना अभी पिछले 4-5 दिन के दौरान देखने को मिल रही है वो साफ बता रही है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे पहले पिछले रविवार को यूनानी अस्पताल के उद्घाटन के दौरान अनिल अग्रवाल जो राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, उनके साथ बदसलूकी होती है, उन्हें मंच पर जगह नहीं दी जाती और उसके बाद जो सियासत होती है, बाकायदा जिले के तमाम बीजेपी के विधायक और राज्यसभा सांसद के साथ एमएलसी दिनेश गोयल की एक बैठक होती है, उस बैठक के बाद एक पत्र भेजा जाता है संयुक्त हस्ताक्षर के साथ पार्टी हाईकमान को और उसके तुरंत बाद दिनेश गोयल एमएलसी की तरफ से एक खंडन पत्र जारी किया जाता है। उसमें बाकायदा खुले तौर पर ये बताया जाता है कि गाजियाबाद से लोकसभा सांसद जनरल वीके सिंह के खिलाफ साजिश रची जा रही है, जिस साजिश में ना सिर्फ अनिल अग्रवाल शामिल हैं बल्कि जो गाजियाबाद के तमाम विधायक हैं उनकी भी संलिप्तता है। उसके अलावा उस पत्र में नाम लिया गया है महानगर अध्यक्ष बीजेपी के सुनील शर्मा का भी, संजीव शर्मा का नाम है, सुनील शर्मा विधायक का नाम है, नंदकिशोर गुजर जो लोनी से विधायक हैं उनका जिक्र भी उसमें है और गाजियाबाद सीट के विधायक अतुल अग्रवाल का जिक्र भी उस पत्र में किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि गाजियाबाद में जो बीजेपी की आपसी गुटबाजी है वो सड़क पर आ गई है, लेकिन देखना ये होगा कि निकाय चुनाव से पहले इस गुटबाजी का कितना असर निकाय चुनाव के परिणामों पर पड़ता है। इंडिया वॉइस के लिए मैं राहुल शर्मा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और वहीं अब विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिए जाने के बाद छात्रों ने अपने आंदोलन को 48 घंटे के लिए स्थगित कर दिया है। लेकिन इस आश्वासन के पहले किस तरीके की तस्वीरें रही हैं बता रहे हैं हमारे संवाददाता शुएब रिजवी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कल हुई हिंसा के बाद आज के हालात फिलहाल अभी शांतिपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पे इकट्ठा है, उनकी लगातार ये मांग है कि जो भी गार्ड ने बदतमीजी की थी, मारपीट की थी, उनकी गिरफ्तारी की जाए। हालांकि दोनों तरफ से FIR दर्ज करा दी गई है, क्रास FIR कही जा सकती है, कुछ छात्र नेताओं के खिलाफ FIR हुई, वहीं सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ भी FIR हुई। आप देख सकते हैं कि आज एक जरूर ये अपडेट हुआ है कि रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ही। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में मौजूद छात्र अभी भी जमे हुए हैं, वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो लोगों ने भी इस तरह की मारपीट की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि प्रशासनिक तौर पर दोनों तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि इस मामले को यहीं शांत किया जाए। फिलहाल हालात यहां पर बिल्कुल शांतिपूर्ण है, हालांकि जो छात्र हैं वो ज़रूर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपनी मांग को लेकर के लगातार बैठकें कर रहे हैं। तमाम जो छात्र संगठन के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग जो पदों पर रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र नेता वो भी मौजूद हैं और ये कोशिश की जा रही है कि हालात सामान्य किए जाएं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो छात्र हैं उनका आक्रोश अभी भी बना हुआ है। श्वेबरी भी इंडिया प्रयागराज। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी छपरा में जहरीली शराब से मौत का तांडव लगातार जारी है और इस मौत के तांडव को लेकर के प्रशासन ने क्या ठोस कदम उठाए हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोरंजन पाठक। में जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है, वहीं पे हम आपको बता दें कि बिहार के छपरा में शराब का आने का सिलसिला बदस्तूर जारी ही है।
प्रत्येक दिन विभिन्न थाना क्षेत्रों में शराब की खेपें पकड़ी जा रही हैं। फिलहाल कल की ही अगर बात कर लें तो मांझी थाना क्षेत्र में 8 लाख रुपए की कीमत की शराब भी बरामद हुई है। हालांकि जहरीली शराब की अगर बात करें तो दियारा क्षेत्र में आज पुलिस ने बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की है, जो कि घंटों से लगातार छापेमारी चल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि ये नदी के उस पार जो एक घना सा जंगल है, एक बहुत बड़ा दियारा क्षेत्र है, जहाँ की इस कार्य को बड़े बखूबी से सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों के द्वारा किया जाता है। आज पुलिस उन्हीं पे पुलिस जो है आज वहाँ पे जाके छापेमारी कर सैकड़ों लीटर अवैध देसी शराब को बरामद किया है। छपरा से इंडिया वॉइस के लिए मैं मनोज पांडे। उधर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में तीमारदार मरीज और डॉक्टरों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट की वजह क्या रही है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक कुमार। जौनपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के स्टाफ व मरीज के परिजनों के बीच जमकर चले लात घुसे, वही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बताया जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज को एडमिट करने को लेकर मरीज के परिजनों और हॉस्पिटल के स्टाफ के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। वही मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये वायरल वीडियो जौनपुर के लाइन बया थाना क्षेत्र के वाजीपुर तिराहा स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। मेरठ से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल पुलिस विभाग ही जब चोर बनने लगे तो लोग क्या सोचेंगे और हैरान रह जाएंगे। एक कार के पुर्जे पुलिस के एक सिपाही ने बेच दिए और उसके बाद अब प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दी है हमारे सहयोगी आशुतोष टनी ने। दरअसल मेरठ के थाना टीपी नगर में तैनात दो सिपाहियों ने वाहन चोरों से साठ गाल करते हुए थाने में खड़े वाहनों के महंगे पुर्जे बेचने के बदले में मोटे रकम लेने का एक मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, दोनों सिपाहियों ने इस मामले से बचने के लिए अपने ही थाने में वाहनों के पुर्जे चोरी की तहरी भी दी। जब ये मामला अफसरों के संज्ञान में आया तो इस पर जांच बैठ गई। जांच के दौरान पाया गया कि थाने में तैनात हेड मोर्रिय और सिपाही दोनों ही वाहन चोरों से साठ गाल करते हुए थाने में खड़े वाहनों के पुर्जे बेचा करते थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मेरठ के SFP रोहित सचवान ने दोनों ही सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं वाहनों के पुर्जे खरीदने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बलिया में ठंड बढ़ने के बाद कोहरे ने किस तरीके से अपना कोहराम मचा रखा है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी करुणेश पांडे। 2 दिनों से घने कोहरे को लेकर के आज जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, आज सुबह से इतना ज़्यादा कोहरा गिर गया था जिसको लेकर के काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह में इतना घना कोहरा था कि रोड पे जो गाड़ियां चल रही थी उनको काफ़ी चलने में दिक्कत हो रही थी। हेडलाइट जला करके और साइड का डिपर जला करके वो गाड़ियां चल रही थी, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत धीमी थी और क्योंकि आगे का रोड बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था और इसमें थोड़ी सी भी अगर असावधानी हुई तो दुर्घटना घट सकती है, जिसको लेकर के काफ़ी गाड़ियां धीरे धीरे चल रही थी। अगर वहीं बात करें उस रूट पर चलने वाले साइकिल और मोटरसाइकिल की, तो साइकिल वाले भी बहुत सतर्क होकर के रोड से के नीचे जो पटरी होती है उस पटरी पे चल रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई हादसा न हो जाए। ऐसे में अगर देखा जाए तो यह अगर कोहरा लगातार बना रहेगा तो यात्रियों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। जो यात्रा अगर 1 घंटे की हो रही है वो यात्रा कम से कम 2 से 3 घंटा लग जा रहा है आने जाने में। इसको लेकर के काफ़ी यात्रियों को भी दिक्कत हो रही है। गणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया से। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद उत्तर प्रदेश में भी ठंड का कहर लगातार जारी है और इसी कड़ी में रायबरेली जिले में भी ठंड का कहर देखने को मिला है। खबर पर पड़ताल की है हमारे सहयोगी राजू तिवारी ने। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद उत्तर प्रदेश समेत रायबरेली में ठंड का प्रकोप देखने को मिला है। कोहरे की चादरों ने लोगों की रफ्तार कम कर दी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से रोड पर जो चलने वाले वाहन है वो रेंगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं आने जाने वाले राहगीर भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठंड के मारे लोगों का निकलना दूभर हो गया है। वहीं अगर सड़कों पर बात की जाए तो स्थानीय लोग व स्कूल जाने वाले छात्र भी दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन की कुंभकर्णी नींद देखने को मिली है, क्योंकि हर चौराहों पर कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। रायबरेली जिले की बात करें तो नगर व कस्बों समेत कहीं भी अभी जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं देखने को मिली है।
वहीं लोगों के द्वारा अपील की जा रही है कि जिला प्रशासन कहीं ना कहीं से प्रबंध करवाए ताकि लोगों को ठंड से निजात मिल सके और वहीं आने जाने वाले राहगीरों को भी रास्ते में जो ठंड लगी है उससे भी निजात मिल सके। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो स्कूल जाने वाले छात्र हैं वो सुबह निकलकर सड़कों पर आते हैं और अपने बसों का इंतजार करते हैं, तो इस दौरान भी बच्चों को हाथ व पैर सेकने के लिए कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं देखने को मिली। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन की कुंभकर्णी नींद कब टूटेगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। बलिया में ठंड के सितम के बढ़ते ही परिवहन विभाग के परिवहन में ब्रेक लग गया है और मानो इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्रहण सा लग गया है। दूसरी तरफ परिवहन विभाग ने इस बारे में नोटिस जारी किया है। नोटिस क्या है बता रहे हैं हमारे सहयोगी करुणेश पांडे। दो दिन से घने कोहरे को देखते हुए जहां पे कि उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं घट गई जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश विभाग सतर्क हो गया और उसने एक लेटर जारी किया है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को कि रात्रि में जो बस की सेवाएं हैं उन सेवाओं को कम कर दी जाए ताकि दुर्घटनाएं से बची जा सके। इस संबंध में अगर बलिया के डिपो सीनियर अकाउंटेंट महेश चंद्र पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश निगम विभाग परिवहन विभाग के निगम की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है और उस पत्र में यह लिखा गया है, कहा गया है रात्रि में जो है बस की सेवाओं का संचालन कम कर दिया जाए ताकि दुर्घटनाएं कम होगी। वहीं महेश चंद्र पांडे ने बताया कि जो बसों का जो हेडलाइट या जो फॉग लाइट है, इंडिकेटर लाइट है, वो सभी को ठीक कराया जा रहा है और ड्राइवर से बोल दिया गया है कि सारी इन चीज़ों को ठीक ठाक करा लें ताकि रात में चलने पर कोई दिक्कत ना हो और जो यात्री हैं उनको सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। रमेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया से। उधर संभल में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। दरअसल इस दौरान एक पानी भरा टैंकर अनियंत्रित होकर के पलट गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सिंह। हम आपको बता दें पूरा मामला जनपद संभल के नकास थाना क्षेत्र का। यहाँ पर देर रात्रि पानी से भरे टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गए जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिसमें बताया जा रहा है 9 लोग उसके अंदर बैठे थे। वाहन को बचाने के चक्कर में बताया जा रहा है कि बड़ा हादसा हुआ है जिसमें दो लोगों की मौत होने के बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और परिवार वालों को सूचना दी। मौके पर हाहाकार मच गई। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा गया है और जो बताया जा रहा है जिसकी हालत गंभीर है सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से कोहरे का कहर नजर आ रहा है और देखा जा सकता है अंतरित होकर जिस तरीके से ट्रक पानी का जो टैंकर है वो पलटा है, पलटने के बाद में दो लोगों की जो मौत हुई दर्दनाक मौत में परिवार का हाहाकार मच गया है और परिवार मौके पर पहुंचने के बाद में पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद में सबको कब्जे में लेकर पीएम को भेजा गया है। वहीं पर जो है जिसकी हालत गंभीर है उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जिस तरीके से वाहन को बचाने के चक्कर में यह घटना हुई है, देर रात्रि की घटना है। मेरे सहयोगी प्राणी ठाकुर साहब, मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज, संभल। बुलंदशहर में घने कोहरे का कहर देखने को मिला है। क्या है कहर बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। बुलंदशहर में आज घने कोहरे के चलते एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें एक दर्जन से अधिक वाहन भिड़ गए और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। आपको बता दूं बुलंदशहर के थाना अरनिया क्षेत्र बाईपास NH-91 पर आज एक DCM पिंचर होने के कारण एक के बाद एक दर्जन वाहन आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि घना कोहरा था जिसके चलते वाहन नहीं दिखे और आपस में टकरा गए। करीब एक दर्जन लोग इसमें घायल हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि घने कोहरे के चलते यह हादसा हुआ है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में ट्रक चालक की मौत हो गई है जबकि रोड पर खड़े सभी वाहनों को हटा दिया गया है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। बिजनौर में उधर तेज रफ्तार कार के कहर को देखने को मिला है। दरअसल इस दौरान एक तेज रफ्तार कार ने एक बग्घी को टक्कर मार दी जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जहीर अहमद। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के मंडावर रोड पर आज उस वक्त एक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार कार ने
घोड़ा बग्गी को टक्कर मार दी। मालन नदी के पुल पर हुए हादसे में घोड़ा बग्गी 35 फीट गहरी मालन नदी के नीचे जा गिरी, जिसमें बग्गी पर सवार घोड़ा बग्गी मालिक और साथी 5 बच्चे भी सवार थे, जिसमें सभी के चोट लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने सभी बच्चों को और घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से कुछ बच्चों की मामूली मरहम पट्टी के बाद उनको घर भेज दिया गया। साथ ही एक या दो बच्चों को अस्पताल में भर्ती भी कर लिया गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ। घोड़ा बग्गी एक शादी समारोह में चढ़त के लिए जा रही थी और जैसे ही वो माला नदी के पुल के ऊपर पहुंची, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार इयोन कार ने उसको टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर और थाने भिजवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद कार चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया है। बिजनौर से कैमरामैन आरिफ के साथ जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।